साइड में ढूंढ लिया ये थोड़ा जो मुख्तार भाई तुमने सीजन 10 हमारे जो चाहते हैं माननीय अमजद खान साहब इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और इस टूर्नामेंट का ये पहला ही मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। और ये टॉस होने जा रहा है बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट CPL 10 टॉस के लिए एन के ग्रुप के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए जैसे कि इनाम घोषित किया जा रहा था कप्तान इसके बाद जल्द से जल्द आ जाए। अरे विनर है आदवर करा तो निश्चित इस मैच का नतीजा जो है तो कुछ और होगा। काफी बेहतरीन फील्डिंग उतनी ही अच्छा थ्रो काफी बेहतरीन प्रदर्शन पहलवान निश्चित ही कोशिश करेंगे कि दो छक्के जड़कर मैच हासिल सब बाउंड्री के बाहर आके बैठे सभी से गुजारिश है और यह पहला छक्का आता हुआ काफी बेहतरीन और इस 6 रनों के साथ नीचे अपने 50 रन पूरे करते हुए जाए पहलवान काफी बेहतरीन बल्लेबाजी हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम है टीम ऑनर और अगर AR विनर जीतती है तो अफरीदी जो हमारे अतिक उनकी तरफ से पार्टी का आए मतलब काफी अष्टम के बाहर काफी बेहतरीन चिकलडाना प्रीमियर लीग सीजन 10 का ये जो सीजन चल रहा है इस सीजन को जैसे हमने लाइव टेलीकास्ट किया है उसी प्रकार से न्यूज टेलीकास्ट भी हो रहा है और न्यूज टेलीकास्ट कवरेज के लिए औरंगाबाद न्यूज औरंगाबाद समाचार इनके जो प्रतिनिधि है वो हमारे यहाँ मौजूद है वो भी इस टूर्नामेंट का कवरेज करते हुए तो काफी इस टूर्नामेंट की जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ती हुई तो काफी बेहतरीन टूर्नामेंट होता हुआ और पूरे औरंगाबाद सिटी में ये टूर्नामेंट जो है जारी होता और औरंगाबाद न्यूज और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो मराठवाड़ा समाचार और मुल्क की आवाज इनके भी प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद है तो मतलब ये जो सर आप यहाँ के चिकलठाने के नगर सेवक भी है और अमजद खान साहब 10 सालों से क्रिकेट CPL का टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो जनता में ये भी एक सवाल है कि आप क्यों नहीं करवाते। नहीं हमारा नाइट में टूर्नामेंट रहता है हर साल अब्दुल सत्तार साहब के वार दिवस पे हमारा टूर्नामेंट नाइट में रहता है। अभी इस साल 17 जनवरी को रखा गया है टूर्नामेंट और हमारे बड़े भाई अमजद भाई हर साल की तरह आज पूरे मुकम्मल 10 साल से नौजवानों के लिए और पूरे चिकलठाने गाँव के लिए और पूरी बस्ती के लिए और नौजवानों के लिए ये भी टूर्नामेंट रखते हैं। इनके 10 साल हो गए और तकरीबन मैं 4 साल से नाइट में टूर्नामेंट रख रहा हूँ और अमजद भाई इनके जन्मदिन के मौके पर रखते हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उनके जन्मदिन पर और नौजवानों से अपील करता हूँ क्या इस टूर्नामेंट को कामयाब करें और नशा मुक्ति के लिए जो अमजद भाई हर साल टूर्नामेंट रखते हैं तो इससे कुछ सबक हासिल करने के लिए नौजवानों का फिटनेस बढ़ने के लिए ये टूर्नामेंट रखा जाता है। सोहेल सर अभी आपने बताया कि नशे के बारे में जो बताया आपने हजार साहब ने भी एक प्रोग्राम लिए थे जी तो आपने चिकलठाने में ऐसा कोई प्रोग्राम लेने का इरादा बनाया क्या? नहीं हम हर साल शिव जयंती के मौके पर गणेश उत्सव के मौके पर एक कॉर्नर मीटिंग लेते हैं और उसमें नशे के बारे में और गुटके के बारे में हर एक को ताकीद देते हैं।
सुनील सर, आप नगर सेवक है तो नौजवानों को क्या अपील करेंगे कि खेल के प्रति खेल के रुचि दिखाए बोलकर? नौजवानों से एक ही अपील है, अपनी जिस्मानी ताकत जो भी बढ़ाना है वो खेल के जरिए से बढ़ाई जाती है, और हमारे चिकलठाने के नौजवान माशाल्लाह खेल को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, और इसी तरह अमजद भाई का टूर्नामेंट कामयाब होगा इंशाल्लाह। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सोहेल शेख शकील, नगर सेवक माजी। भाई सर, आपका नाम बताइए, और चिकलठाना में जो प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है तो इसका आयोजन कैसे किया है और प्राइस वगैरह कैसे, इस बारे में दर्शकों को बताइए। ये जो है तो हमारे जन्मदिन के मौके पे हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है, और ये 10 साल से चल रहा है चिकलठाना प्रीमियर लीग CPL, और इसको जो है तो यहाँ से बच्चे अच्छे उत्साह से खेलते हैं, और अच्छे प्लेयर्स यहाँ से जो है तो APL वगैरह इधर खेलने भी गए हैं, और औरंगाबाद में अच्छे खासा नाम है हमारे चिकलठाना CPL का, और बच्चों को यानी कि उत्साह होता है, और यहाँ से जो तो अच्छे अच्छे बच्चे अभी मैदान में खेल रहे हैं। अभी AK फाइटर और ANK ग्रुप का मैच चल रहा है, तो मैं टोटल यहाँ पे 12 टीम आई है, और हर साल 12 ही टीम रहती। सर, ये CPL टूर्नामेंट रखे आपने तो शहर के हमारे जो शहर अध्यक्ष है यूसुफ लीडर, उन्होंने उसमें 20,000 का और भरपाई की, और उसके बाद में जगन डिटे इन्होंने 10,000 का और प्राइस बढ़ाया, तो अब 101,000 का फर्स्ट प्राइस हुआ, और सेकंड प्राइस जो है तो 41,000 रुपये। सर, इसका फाइनल मैच कब रहेगा? फाइनल मैच जो है तो मेरे जन्मदिन पे 16 तारीख को रखा गया है, 16 जनवरी। सर, आपके जन्मदिन के अवसर पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट तो रखा है आपने, इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम रखने वाले हैं? अभी तो इससे पहले जो है हमने चिकलठाना में जो है तो 11 शादियाँ लगाई थी हमारे AK ग्रुप की तरफ से, और सभी यानी कि ऐसे चिकलठाने की नहीं शादियाँ थी, यानी कि ऑल महाराष्ट्र के रखे गए थे, तो और उसके बाद जो तो झाड़ वाड़ लगाते हैं गाय को, यानी कि गाय गौशाला में जाके चारा वगैरह। आपने जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा है या CPL आपके जन्मदिन के अवसर पर, तो शहर में भी बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप सर? तो मेरा तो उनसे कहना है कि यानी कि आज यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, इनके लिए कुछ खेलने कूदने की, या फिर या गरीब लोग हैं उनका कुछ शादी हो या फिर कुछ मदद दवा खाने की हो, ये ऐसी मदद करना चाहिए। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए। हाँ, मैं अमजद खान चिकलठाना, और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। चिकलठाना कैम्ब्रिज स्कूल के पास में ये जो चौक है यहाँ पे हमारा मैच चालू है। पास के लिए ANK ग्रुप के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए, जैसे कि इनाम घोषित किया जा रहा है कप्तान, इसके बाद जल्द से जल्द आ जाए। अरे विनर है, हाथ वर कर रहा है। सर, आपका नाम बताइए, और आप भी एक प्लेयर है तो कौन सी टीम से खेल रहे हैं यहाँ पर, कितनी टीमें आई हुई है यहाँ, उस बारे में बताएं। मेरा नाम अमोल देशमुख है, और मैं शशि टाइगर का प्लेयर हूँ, और इस टूर्नामेंट में जो कि पिछले 10-12 साल से चल रहा है, हम हर साल इस टूर्नामेंट को एक बड़े फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिकलठाने के लिए, सारे प्लेयर्स के लिए, सारी आवाम के लिए एक बड़ा माहौल होता है, और इसमें टोटल 12 टीम है, और मैं इनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम और 100 साल जिए, ताकि 100 साल तक ये इसी तरीके से क्रिकेट चला रहे, क्योंकि आपने टूर्नामेंट कराया तो ही हो रहा है ये, नहीं तो बाकी इतना बड़ा टूर्नामेंट CPL या चिकलठाने में आज तक कोई नहीं हुआ, और ये औरंगाबाद का सक्सेसफुल टूर्नामेंट। नौजवान युवाओं को क्या संदेश देंगे सर आप खेल के प्रति? देखो, हर एक प्लेयर को चांस मिलने की ज़रूरी होती है, अगर वो चांस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस देना हम बड़ों का, अमजद भाई जैसे लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है सारे युवाओं को कि आप प्रैक्टिस करो, जो भी खेल है देखो, खेल से सभी की जो हेल्थ फिटनेस वगैरह है, जो सारी चीज़ें जो हैं वो एक लेवल पर ब्रिंगअप हो जाती है, तो ये एक अच्छा एफर्ट है ओवरऑल CPL का, ऑर्गेनाइजर टीम का, और सारे जो मालक लोग हैं सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि कुछ अच्छे प्लेयर निकलकर औरंगाबाद को रिप्रेजेंट करें। एक आप क्रिकेट प्लेयर होने के नाते से आप जो है तो क्रिकेट प्रेमियों को क्या संदेश देंगे आप? क्रिकेट प्रेमियों के लिए संदेश यही है कि बस क्रिकेट जो है वो लिमिटेड हो चुका था, लेकिन यहाँ पर सभी
जो जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पर CPL में, हर एक जुट साथ खेल रहे हैं, तो ये उनमें एक दोस्ताना हो या फिर वो रिलेशन जो है वो अच्छे बढ़ते हैं, और ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि सभी की हेल्थ फिटनेस वगैरह जो है वो तो सारी अच्छी होती ही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमोल देशमुख है। CPL का मैच स्टार्ट हुआ और पहले मैच आपने जीता है, तो क्या कहेंगे सर? पहली मैच जीतने की जो खुशी रहती है वो हर टीम को रहती है, और जो अगली टीम थी AN के वो भी अच्छी के लिए, और दोनों तरफ से अच्छी बैटिंग हुई और दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग भी हुई। सब प्लेयरों ने हमारे जो योगदान दिया वो बहुत बढ़िया था, थोड़ी हमसे मिसफील्ड हो गई है लेकिन बाद में जीत जीत होती है, और जो हमने मैच जीता है मैं सभी प्लेयर का धन्यवाद करना चाहूँगा और अगली टीम को भी बेस्ट लक देना चाहूँगा कि वो अगले मैच में बहुत अच्छा खेले, और हम जरूर कोशिश करेंगे ये CPL 10 का फाइनल है जो हमारी टीम जीतेगी, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। आपका नाम बोलिए। अर्जुन राउत। इधर से आते सर, आज जो पहले ही मैच था और आपकी टीम ने पहला मैच ही जीत लिया, तो क्या फाइनल तक जाएंगे आप, कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा विश्वास है, हम इतने अच्छी तरीके से खेले और मैच लास्ट बॉल तक लेके गए, जो टीम सामने वाली जीत की कगार पे थी उनका जीत हमने खींच के हम जीत चुके हैं, और ऐसे ही खेलते रहेंगे और फाइनल भी हम ही जीतेंगे। आपका पूरा नाम? हमने 102-103 बनाने के लिए टारगेट दिया था और वो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफेंड किया है। आपका पूरा नाम बोलिए। पांडुरंग वाघमोड़े। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।